अभी हम लोग का कंप्लेंट के उससे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि सर्कल साहब हमारा इंसाफ करो, कंप्लेंट पे थोड़ा वजन डालो, देखो हमारा थोड़ा इंसाफ करो सर। और हम लोगों को जब मैं ये कंप्लेंट बाहर अनमारी रखने से मेरे को डर से बुखार भी आ गया, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हमारा वो निकाल दिया और वो बहुत बड़ा गुंडा है, कुछ भी कर सकता। मेरे पास हस्बैंड है और उनके भी माँ बाप नहीं है मेरे हस्बैंड के पास। कल के दिन कुछ कर दिया तो मेरे पास भी कोई नहीं है। अब वही चाहे मेरे को संभालने वाला मेरा हस्बैंड, उनको भी कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाना सर। और सर्कल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा इंसाफ मेरे को दिला देना बस, और कुछ भी नको मेरे। नाम क्या है? के सुमन कुमार और छोटे भाई का नाम टिंकू, के टिंकू। वो दो जने मिलके मेरा सामान पुराना पुल पाड़ीवाड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए। आपका खुद का भाई है वो? नहीं, चाचा का बेटा है, बड़ा बेटा। लेकिन चोरी करा साबुन, कुछ भी नहीं, खाली चोरी करा, पूरा निकाल के सामान बाहर डाल दिया। उसमें का एक आइटम नहीं मिला, खाली बस अनमारी बाहर है। और हमारा अभी कुछ है नहीं, अभी मेरी बेटी का भी फ्यूचर बनाना, मेरे कने बेटी है, अभी स्कूल डालना, वो करना, मेरे कने भी तो प्रूफ पूछते ना, जब मैं कहाँ से लाऊं सर। कुछ रहने वाले आपके चाचा का लड़का? यहाँ बाजू में पुराना पुल पाड़ीवाड़ा, वहाँ पहले क्या कि वहाँ रामचंद्रापुर में रहते थे हम लोग छोटे थे, जब हमारे मम्मी हमारे डैडी गुजर जाने के बाद वहाँ ही थे। अभी हमारे डैडी गुजर जाने के बाद पुराना पुल में आके हक जमा रहे, वो घर में हम लोग पहले आते थे जाते थे रहते थे। जब से उन लोग आए हम लोगों को जाने दे रहे ना, कपड़े निकालने देना कुछ दे रहे। अब सेटली हमारे काकी उन लोगों का फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारा सामान निकल गया बोले तो कंप्लेंट दिए, लेकिन अभी तक वो चोर पे कुछ इंजाम नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, खामोश बैठे हुए सर्कल साहब सब लोग। अब चाहिए मुझे, मेरा भाई ने घर में से निकाल दिया मेरी शादी होने के बाद में। जब से मैं यहाँ पर नहीं आई, जब से मेरे भाई ने हमें टॉर्चर करके हमारे पूरा सामान जितना घर में था, मेरे भाई का, मम्मी का, सबका था, पूरा निकाल के फेंक दिया। कुछ भी अभी हक नहीं रखा हमारा, कुछ भी नहीं है। हम लोग रोड पे, मैं मेरा भाई बचपन से रोड पे, मेरी मम्मी छोड़ के गई जब से, हम लोग रोड पे ही थे और काम पर भी नहीं है। अभी हमारा आग हमारे को दे रही नहीं, और हमारा सामान हमारे को बोल के भी नहीं निकाले। अभी हमारा साथ पूरों को अच्छा करे, हमारे साथ कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं करे। बस इतने बोलना चाह रही हूँ कि हमारा इंसाफ कोई तो भी करो। कंप्लेंट लिखा है कोई भी कुछ दूधबॉली में? दूधबॉली में क्या क्या चोरी हुआ आपका? मेरे छोटे छोटे कंबल और मेरे कपड़े, मेरे डैडी के कपड़े और मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पूरा जितना सामान रहता वो पूरा, मेरा पैन कार्ड भी घुमा दिए, कुछ भी नहीं। 8 तारीख को हुआ सर, चोरी कर लिए, कुछ भी नहीं दिखा रहे, हमारा कुछ प्रूफ ही नहीं रहना। हम लोग अब ये घर में हमारा कुछ अब वजूद ही नहीं रहा, पूरा जितना था वो पूरा निकाल के फेंक दिया। अभी कोई भी बोल रहे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करना सर, आप ही बोलो सर।